finishes off in style. A magnificent strike into the crowd. India lift the World Cup after 28 years. Yoich Tenkai. Subscribe Majini Ji. Yo, Imo. Cricket, ikhlota aisa religion India mein, jise har religion ke log poochte hain, worship karte hain. India mein cricket keval ek sports nahi hai, ek emotion hai, ek feeling hai. और ऑलमोस्ट इंडिया के हर बच्चे का पहला सपना क्रिकेटर बनना ही होता है, और मेरा भी यही सपना था. जब भी कोई अंकल बच्चों से एक बॉल खेलने को मांगते हैं, वो केवल एक बॉल नहीं खेल रहे, वो उस एक बॉल में ना एंटायर चाइल्डहुड जीना चाह रहे फिर से. दिस इज व्हाट आई कॉल क्रिकेट इन इंडिया. तो वेलकम होमीज, सेकेंड एपिसोड ऑफ ड्रीम्स. जिनको नहीं पता, ये एक सीरीज है जो मैं चलाता हूँ ड्रीम्स नाम की, जिनमें हम उन लोगों के बारे में बात करते हैं जिन्होंने स्पेशली मुझे इंस्पायर किया है. और ये सेकंड एपिसोड है. फर्स्ट एपिसोड में हमने ट्रिगर्ड इंसान के बारे में बात करी थी, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, जाके देख सकते हो. एंड या बाय द वे, कांग्रेट्स टू इंडियन टीम फॉर विनिंग सेकेंड T20 वर्ल्ड कप. इंडिया में क्रिकेट तो लोगों को पसंद है, नो डाउट दे वर्शिप क्रिकेट. लेकिन क्रिकेट के साथ साथ सबके अपने अपने फेवरेट क्रिकेटर भी है. मैं भी अपनी बात करूं तो मेरा भी फेवरेट क्रिकेटर है MS धोनी. तो चलो एक्चुअली शुरू से शुरू करते हैं. तो स्टार्टिंग में मुझे फुटबॉल पसंद था, फिर मैंने 2011 का वर्ल्ड कप देखा, थोड़ा सा इंटरेस्ट जगा मेरे अंदर. एंड देन इन 2016 मेरे पापा मेरे लिए दो टिकट लाए थे, कोई फिल्म रिलीज हुई थी, तो मैं बहुत खुश था, मैं फिल्म देखने जा रहा हूँ. सो मैं अपने पापा के साथ स्कूटर में बैठ के फिल्म देखने गया. एंड इट वॉज एपिक बायोपिक ऑफ महेंद्र सिंह धोनी, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी. और जैसे ही मैंने वो पिक्चर देखी, वो एपिक फिल्म देखी, इट जस्ट ब्लोड माई माइंड. मतलब इंस्पिरेशन के रूप में मैं देखने लगा MS धोनी को, कि कहां वो अपनी लाइफ एज अ टिकट कलेक्टर बनके जी रहे थे. लेकिन नहीं, उन्होंने सोचा कि मैं अपने ड्रीम्स के पीछे भागूंगा. और यही एपिसोड का टैगलाइन भी है हमारे, ड्रीम्स डू कम ट्रू. MS धोनी इज द रियल एग्जाम्पल जो हमें बता सकते हैं कि ड्रीम्स डू कम ट्रू. क्रिकेट कलेक्टर से ट्रॉफी कलेक्टर बनने का सफर महेंद्र सिंह धोनी का मैंने उस दिन जिया. हम सबकी लाइफ में एक ना एक अपॉर्चुनिटी होती है, या तो अपनी लाइफ नॉर्मल जी लो, या फिर अपनी उस ट्रेन को पकड़ो जो ट्रेन तुमको तुम्हारे ड्रीम की तरफ ले जाती है. उनकी स्टोरी देख के मुझे यह लगा कि यार, ड्रीम्स डू कम. सोचो एक टिकट कलेक्टर वर्ल्ड का बेस्ट कैप्टन बनेगा, किसी ने नहीं सोचा था सिवाय धोनी के. उन्होंने एक सपना देखा था और उसे पूरा भी किया. That's what dream is all about. मतलब सोचो, only captain जिसने 3 ICC trophies जीती है, ये एक बहुत बड़ी achievement है. जिस timeline में जीती थी 2007 to 2013, जब Indian cricket अपनी best form में नहीं था, विराट कोहली, रोहित शर्मा उस time पे अपनी peak पे नहीं आए थे, उस time पे 3 ICC trophies जीतना ये बहुत बड़ी बात है. मैं ये नहीं बोल रहा कि धोनी ने अकेले ने trophies जीती है, लेकिन अगर आप ध्यान से note करें कि उन तीनों ICC टूर्नामेंट में तीन बड़े डिसीजन लिए गए थे फाइनल्स में. 2007 T20 वर्ल्ड कप, जोगिंदर को बॉल देना, क्यों दिया कोडी नोस, बट धोनी नोस. 2011 युवराज से ऊपर आना, क्यों आए नोबडी नोस, देन धोनी फिनिशेस ऑफ थिंग्स इन स्टाइल. 2013 ICC चैंपियंस ट्रॉफी, ईशान शर्मा इतना मार खा चुका था, फिर भी ईशान शर्मा को ओवर देना, क्या नोबडी नोस बट ओनली धोनी नोस. एंड इंडिया लिफ्ट चैंपियंस ट्रॉफी ऑफ 2013. It's all in the mindset. उनका माइंडसेट इतना अच्छा है, इतने काम वे में वो सारी सिचुएशन को डील करते हैं, उनका टेम्परामेंट इतना शांत है. That's the thing I like about धोनी. टीम ने सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया 2007 से 2013 के बीच में. ये बातें थे द बिग थ्री, धोनी, युवराज एंड रैना, द बेस्ट थ्री प्लेयर्स इन द मिडिल ऑर्डर. लेकिन इतना कुछ करने के बाद भी कुछ गधे लोग हैं जो बिना क्रिकेट की नॉलेज लिए फालतू की बातें करते हैं. डेचू डेचू, धोनी क्रेडिट स्टीलर है. डेचू डेचू, धोनी टुक टुक करके खेलता है. अरे धोनी बर्बाद है, लोगों को बर्बाद करता है, युवराज को धोनी नहीं बर्बाद किया. डेचू डेचू. लेकिन इन सब गधे लोगों की ओपिनियन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों को क्रिकेट की उतनी ही नॉलेज होती है जितनी तुम लोगों को अपने क्रश के बेस्ट फ्रेंड के बारे में नॉलेज है. ये बड़ी अच्छी बात कही आपने. कि करियर की शुरुआत हुई थी रनआउट के साथ, जिसमें पूरा देश हंसा था. और आज भी मुझे वो 2019 का जून याद है, जब महेंद्र सिंह धोनी ने पहली गेंद पर छक्का मारा था 48 की,
जो किस्मत में लिखा है उतना ही मिलता है। महेंद्र सिंह धोनी रन आउट हुआ एंड इट वॉज अ सो बिग रन आउट। धोनी रन आउट नहीं होता, मैं लिख के दे सकता हूँ वो वाला वर्ल्ड कप इंडिया जीत रही थी। बट 2020 15 अगस्त में महेंद्र सिंह धोनी ने अपना रिटायरमेंट ले लिया। मैं पल दो पल का शायर, मैं गाना लगा के इंस्टाग्राम पोस्ट में, एंड जैसे मैंने ये न्यूज सुनी थी तब मैं बस रो पड़ा था, लिटरली आई जस्ट क्राइड। आज भी जब धोनी के लंबे बालों के साथ सीएसके के लिए खेलते हुए देखता हूँ तो वो 183 वाली पारी याद आ जाती है। दिल में एक अलग सा जोश आ जाता है, अगर धोनी कर सकते हैं तो हम सब क्यों नहीं। इफ धोनी कैन अचीव हिज ड्रीम्स एंड व्हाई कांट वी। ड्रीम्स डू कम ट्रू गाइस, ड्रीम्स डू कम ट्रू। बस आपको वो अपॉर्चुनिटी देखनी है और अपने मन को बनाना है कि तुमको ये करना है। तुम एक दो साल किस चीज को दे दोगे, उसके बाद भी अगर वो नहीं हुई तो भाई वो तुम्हारे लिए अच्छी थी नहीं, वो होनी ही नहीं थी। Dreams do come true. Trust in the God process. Thank you and मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ। Subscribe कर देना, like कर देना, share कर लेना। करते रहे।